और यहाँ से भी कुतुब मीनार कितनी सही लग रही है भाई। सो हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शादा मिर्जा व्लॉग्स। एंड अभी भाई और मुकुल भाई घर पे नहीं है बिकॉज उनके चल रहे हैं कॉलेज। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से कुतुब मीनार घूमने के लिए, आपको भी घुमाता हूँ, आई होप को पसंद आए। और बस तैयार व्यार हो चुका हूँ मैं फिलहाल, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से एंड मेट्रो से जाएंगे, क्योंकि बाइक तो भाई ले गया और बाइक से जाने में बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है, तो क्योंकि ट्रैफिक वगैरह रहता है। मेट्रो से तुरंत निकल जाएंगे, तो यहाँ से जाते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी, फिर वहाँ से करेंगे हम लोग टिकट कुतुब मीनार का। आई होप आपने वाला ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। द ग्रैंड वेनिस मॉल, वो बहुत अच्छा मॉल है यार, कसम से वैसा मॉल मैंने शायद आज तक देखा नहीं था। मतलब उस तरीके का जो स्ट्रक्चर था ना, वो एकदम मतलब होता है ना जो एंशियंट टाइम का, वैसा लग रहा था मुझे तो। मुझे तो बहुत पसंद आया। कमेंट में आप लोग भी बता देना उस वीडियो के कि कैसे लगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में बने रहना, ब्लॉग में बने रहना, कुतुब मीनार चल के दिखाते हैं। गाइस अभी तो मैं खैर फिलहाल ऑटो ढूंढ रहा हूँ यहाँ MIT यूनिवर्सिटी के पास, और मेरे को तो कोई ऑटो नहीं मिल रहा यार, पूरा लास्ट तक ऑटो कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। सो गाइस अभी मैंने मेट्रो का टोकन ले लिया है एंड अभी मेट्रो पे आ गया हूँ, कर रहा हूँ ट्रेन का वेट। और यहाँ से आपको लोकेशन पूरा दिखाता हूँ कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है यहाँ से ओखला बर्ड सेंचुरी से। यहाँ मैं खड़ा हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन पे, और ये देखो नीचे की पार्किंग कितनी ज़्यादा सही है, इतनी बड़ी है। और ये देखो ये है सुपरनोवा टावर भाई, इतना बड़ा है भाई। और ये देखो लाइन से सारे ऑटो लगे हुए हैं लाइन से, और मैं वहाँ से आया था। तो फिलहाल अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ मेट्रो का, मेट्रो आएगी। फिलहाल मेट्रो आ गई है अपनी। सो गाइस देखो अभी पहुंचे हैं हॉर्स कास, और देखो कितना बड़ा है यार, कितनी ज्यादा भीड़ है। दूर दूर तक देखोगे ना वो देखो, अभी मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको शेकी वीडियो लग रहा होगा, बट वहाँ दूर दूर तक पूरी लाइन है, देख रहे हो। और पीछे भी दिखाऊँ आपको, ये देखो पीछे भी देखो, सब लोग जा रहे हैं येलो लाइन के लिए चेंज करने के लिए, ठीक है। येलो लाइन से मेट्रो है कुतुब मीनार के लिए, तो मेरे को उसी पे जाना है। तो गाइस अब फाइनली आ गए कुतुब मीनार, और यहाँ से अब चलते हैं नीचे और आपको पूरा कुतुब मीनार बढ़िया से घुमाते हैं। तो गाइस फाइनली वी आर हेयर कुतुब मीनार। तो इधर है कुतुब मीनार रेस्टोरेंट, जैसे कि लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है, और अब आपको लेके चलते हैं अंदर। यहाँ है कुतुब मीनार, तो अंदर चलते हैं जल्दी से, टिकट लेते हैं इसका। यहाँ भी लोग हैं बट यहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ है, किस चीज़ का है ये पता नहीं, मुझे पता नहीं। अच्छा शायद टिकट यहीं से लेना है, ओ टिकट यहाँ से लेना है, ओके ओके। अच्छा शायद एंट्री है, वहाँ से एंट्री है और इधर से टिकट लेना है, हाँ। सो गाइस अभी लगी बहुत तेज़ भूख, तो टिकट लेने से पहले अभी मैं चलता हूँ कुछ खाने के लिए एंड फिर उसके बाद टिकट लेंगे और चलेंगे घूमने के लिए कुतुब मीनार। बहुत तेज़ भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो सुबह और दिन का एक ही बार में खा लेंगे और अच्छे से कुतुब मीनार घूमेंगे। सो गाइस मैंने अभी लिया है आलू पेटीज और एक ये हॉट डॉग, और यहाँ पर सभी महंगा है, और ये इधर से लिया है। गाइस अभी यहीं से कुछ खा पी लिया था, अब चलते हैं इसके अंदर। अब चलते हैं यहाँ से टिकट लेते हैं, और देखो टिकट लेने वाला पूरा बाकायदा लाइन वगैरह लगी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर एंट्री आर फ्री एट कुतुब मीनार, ठीक है। एंड ये लिखा हुआ इंडियन टूरिस्ट का है, कैश 40% पर पर्सन, और ATM और डेबिट कार्ड से अगर करते हैं 35 पर पर्सन। तो गाइस ये ले लिया है टिकट, और तो चलते हैं गाइस अब अंदर और चलते हैं। अब देखो कितना सही है, यहाँ पे पूरा गार्डन है इधर की तरफ, और धूप हो गई ना आज, बहुत बढ़िया हो गया है धूप के लिए। यहाँ देख सकते हो आप ये पूरा। तो गाइस फाइनली आपके सामने है, ये रही कुतुब मीनार, अब इसके पास भी चलेंगे। बाकी ये कितना सही है यार, वेल मेंटेन होके रखा हुआ एकदम। अभी हम लोग ने वहाँ से हम लोग अभी अंदर आए हैं, और चलते हैं उस तरफ पहले, यहाँ से चढ़ेंगे तो देखो डायरेक्ट ये है पूरा गेट, यहाँ से भी अंदर भी जाएंगे। बाकी ये देखो यहाँ पे, वहाँ उस तरफ कुछ नहीं, ज़्यादा गार्डन वगैरह ही बना हुआ है। बाकी यहाँ चलते हैं धीरे धीरे, और ये देखो कुतुब मीनार के पास हम लोग आ ही चुके हैं फाइनली। और ये देखो फॉरेनर्स भी यहाँ फोटो शूट करवा रहे हैं अपना। सो ये लिखा हुआ है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले 11, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, कंस्ट्रक्टेड बाय इतने से इतना कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश ने यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर अलाउद्दीन ने यहाँ तक, तो ये आपको पता चल गया है ना। और
सो गाइस कुतुब मीनार और मस्जिद जाने के लिए रास्ता वो देखो सीधे उधर की तरफ से है, और यहाँ पे अलाई दरवाज़ा और इमाम जमीन स्टोम इस तरफ है। तो अभी हम लोग फिलहाल इस तरफ चल रहे हैं और पूरा घूम के पूरा आपको दिखाते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको पूरा दिखाते हैं, बाकी पूरा लाइन वाइज लाइन चलेंगे। और भाई कितना पुराना बना हुआ है ये देख रहे हो आप लोग, कितना ज़्यादा मतलब पुराने टाइम के पत्थर हैं सारे के सारे। ये देखो कितना सही है, यहाँ पे देखो फैमिलीज बैठी हुई हैं। ये देखो भाई उस टाइम पे इन पत्थरों को कैसे, मतलब सीमेंट तो था नहीं, बिना सीमेंट के पता नहीं कैसे जोड़ते होंगे। लगभग 1100 ईस्वी की बात, मतलब 1100 के आसपास की बात बता रहा हूँ, आज से 900 या 100 1000 साल पहले की बात। ये देखो भाई, ये देखो किस तरीके से बनाया है, और ये जो पत्थर हैं इनको किस तरीके से जोड़ा है यार, बहुत ज़्यादा एक अलग ही बात है। अभी हम चलते चलते आगे पहुँच रहे हैं धीरे धीरे कुतुब मीनार के पास, वहाँ से मैं आया, अब हम लोग यहाँ से इधर जाएंगे। ये बनी हुई है टूम यहाँ पे इसके अंदर, और अभी इधर चलेंगे। बाकी फ़िलहाल ये देखो इसके पीछे से मैं उस तरफ से भी आया था, और ये है गार्डन है। यार कितने ज़्यादा शोर करेंगे यार ये, यहाँ से तो लोग फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे हैं इधर की तरफ। और देखो पूरा मैं आपको यहाँ का दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ से भी कुतुब मीनार कितनी सही लग रही है भाई। बाकी चलते हैं और इसको थोड़ा सा दिखाते हैं अंदर चल के आपको वहाँ से। गाइस ये नक्काशी देख सकते हो कितने टाइम पुरानी, ये पूरा अरबी में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। आप लोग को मतलब समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ में आ रहा इतने अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये देखो पूरा टूम है ये। अब यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से चला जाएगा अलाई दरवाज़ा, ठीक है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको पास से पूरा, ये देख सकते हो यहाँ पे पूरी दीवार पे अरबी में लिखा हुआ है, देख रहे हो। और उस टाइम पे किस तरीके से लिखा गया होगा पूरा एकदम बारीकियों से, वो आप देख ही रहे होगे। और ये बनाया लकड़ी का ब्रिज, और यहाँ बीच में पानी रहता था उस वक्त, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, यहाँ पानी रहता था है ना ये पूरा। और ये देखो ये है अंदर दरवाज़ा, ये है अलई दरवाज़ा, मैं लेके चलता हूँ। और ये पूरा लकड़ी का बनाने के लिए, और ये देखो भाई पुराने ज़माने में ये जो देख रहे हो ये इतने अच्छे से जो बनाया गया है, और मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सभी फैमिली वगैरह सब बैठी हुई हैं, और कितना सही व्यू आ रहा है। बाकी अब नीचे चलते हैं यहाँ से, और देखो यहाँ पे है ये गार्डन है पूरा। सो यहाँ इसके अंदर से निकल के हम लोग आ गए हैं यहाँ कुतुब मीनार के पास, और कुतुब मीनार पर भी अरबी में लिखा हुआ है गाइस, ये देखो ध्यान से उस टाइम पे लिखा गया था। और ये भी नहीं कि मतलब ये सिर्फ नीचे नीचे लिखा गया है, ये जितनी भी ये जो गोल गोल सा बना हुआ ना, हर गोल गोल से भी लिखा हुआ है, और पूरा ऊपर तक बना हुआ है, पूरा ऊपर तक लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं अपना, और को दिखाते हैं यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग आए हुए हैं। देखो कुतुब मीनार के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है वीडियो पॉज करके पढ़ लेना इसके बारे में। बाकी मैं वहाँ से आया था, ठीक है, और अब चलते हैं उस तरफ। बाकी मैंने आपको वो दिखा दिया, वहाँ टूम्ब दिखा दी, ये दिखा दी दरवाज़ा, ठीक है अलई दरवाज़ा, और उधर चलेंगे, उधर तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पार्क है। बाकी मेन चीज़ तो आपके सामने, आंखों के सामने है, चलते हैं अब उस तरफ, तो आओ चला जाए। चलो गाइस अब यहाँ चलते हैं। बाकी मैंने आपको वहाँ पर इमाम जमीन टूम्ब दिखा दी है, एंड वहाँ पे अलई दरवाज़ा था जो कि देख लिया, ये कुतुब मीनार है। एंड अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर अंदर, एक मस्जिद है वो भी दिखा देते हैं आपको। बाकी उस तरफ है वो एरिया भी, जब वहाँ से पूरा घूम के आएंगे ना तब आपको पूरा एरिया दिखा दूंगा वो वाला। सो गाइस यहाँ पे टिकटॉक चल रहा है, रील डांस हो रही है वो कुतुब मीनार के सामने। और गाइस यहाँ से व्यू देखो कुतुब मीनार का, ठीक है। बाकी यहाँ लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं जैसे कि मैंने बता दिया। अब चलते हैं अंदर और यहाँ चलते हैं। बाकी यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया है, अब इसके अंदर चलेंगे जो कि आप देख रहे हो वहाँ पे।
और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी अरेबिक लिखी हुई है ऊपर। और चलते हैं अंदर। और ये देख सकते हो आप, ये भी पूरा ये जितना भी किया हुआ है ये पुराने टाइम का, लगभग 1000 साल पुराना है जितना भी नक्काशी की गई है। ये देखो भाई, ओ भाई इतना पुराना भाई, क्या ही सही है। सो गाइस अभी आपको दिखा देता हूँ ये पूरा, ये भाई यहाँ पे भी लोगों को फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और चलते हैं यहाँ पे अभी, कितना सही लग रहा है यार, मतलब इतने टाइम बाद। और पता है इस पूरे पे जो ये जो आप दीवार पूरी देख रहे हो ना, इस पे पूरा अरेबिक में लिखा हुआ भाई पूरा। देखो मैं आपको जूम करके अगर आपको दिख सके तो आप देखो, ठीक है, पूरा लिखा हुआ भाई। एंड गाइज ये है आयरन पिलर, ये देखो इसको छूना मना है। और इस पे कुछ लिखा हुआ है, ये कौन सी भाषा है यहाँ पर मुझे शायद, आई होप आपको दिख रहा हो कि ना दिख रहा हो। अभी यहाँ पे इतना कुछ, बाकी मैंने आपको पूरा दिखा दिया यार, कितना ज़्यादा सही है। और चलो अभी यहाँ से दिखाते हैं आपको पूरा, देखते हैं यहाँ पे क्या है, इधर चलते हैं। अच्छा हाँ देखो, मैं अभी वहाँ पर आया था उधर से, मैंने आपको पूरा दिखाया था, तो यहाँ से भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ भी पूरा सब अरबी में लिखा हुआ है भाई, कितना मतलब ये पूरी इमारतें टूट गई हैं उस वक्त, आज से 1000 साल पहले इतनी अच्छी बनी हुई, देख सकते हो वो टूटी टूटी इमारतें हैं सारी। ये देखो पूरा वहाँ तक अगर देखा जाए, वहाँ तक, उधर ज़्यादा कुछ है नहीं उस तरफ खास। बाकी यहाँ से देखो ये पूरा बना हुआ है लकड़ी से, जाने के लिए इधर से चढ़ के जाने के लिए, इसके अंदर आने के लिए, ठीक है। और हर जगह पेड़ है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइज आई होप आपको पूरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा एंड आप पूरा देख रहे होगे अच्छे से। मैं भी लगभग 14 साल बाद यहाँ वापस आ रहा हूँ कुतुब मीनार पे, क्योंकि बहुत लास्ट टाइम पे पापा मम्मी के साथ ही आया था और उसके बाद से फिर कभी आया नहीं। और अब मौका लगा तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग भी करता हूँ, आप लोगों से जुड़ा भी हुआ हूँ, तो आपको पूरा दिखा देता हूँ। आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी जो है मैंने आपको दिखा दिया। और गार्डन है, गार्डन दिखाने लिए कोई चीज़ ही नहीं है, बाकी पूरा दिखा दिया, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। चलो जो भी बचता है बाकी और दिखा दें। ये भी टूट चुका है मेरे हिसाब से, अगर मैं आपको दिखाऊं पास में ले जाके, है ना। और ये देखो ये होगा कुछ ऊपर, ये लकड़ी का है पूरा, ये यहाँ पे बना था तो शायद टूट गया होगा उस वक्त। बाकी देखो कितना ज़्यादा खंडर हो गया है। और मैं इसको अगर आपको पास से दिखाऊं ना, तो ये देखो छू के देखूँ एकदम, पास से पसंद में नहीं आएगा कि क्या लिखा है, बट दूर से जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ अरेबिक में लिखा हुआ है। और यहाँ पर है पूरा, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ है, मैं आपको उधर तो दिखाई दिया है। बाकी इधर चढ़ते हैं और इधर दिखाते हैं कि इधर की तरफ लोग बाग क्या कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है इस तरफ। ये देखो यहाँ से ये है, बाकी वहाँ भी पूरा बना हुआ है, इधर की तरफ गार्डन है। और यहाँ पे ये देखो पूरा वहाँ जाने के लिए है, वहाँ गार्डन है, वहाँ भी वो खंडर वगैरह पड़ा हुआ है, वो मस्जिद बनी है सामने। हाँ आपको अगर मैं दिखाऊँ, मस्जिद का टूम है, ठीक है, वो मस्जिद है। बाकी अब चलते हैं यहाँ से। अभी मैं आपको वहाँ पे आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे वुडन का है अंदर से बाहर जाने के लिए, और इधर आ गया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। इधर भी यह है अली मीनार, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना वीडियो को, बाकी मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये है गाइस कुआ है, ये कुआ है गाइस, कुआ है, चलते हैं इस पर देखते हैं क्या है कुआ में। ओह ये है उधर जाने कुआ है, और उस तरफ ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। फाइनली मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, आई होप आपने पूरा व्लॉग अच्छे से देख लिया होगा एंड मैंने कुतुब मीनार आपको पूरा घुमा दिया है। सो बस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एडियोस।